राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी ने बुधवार को खंडवा में आक्रोश रैली निकाली, जिसमें शामिल हुए युवा मुंह पर काली पट्टी बांधकर एवं काले झंडों के साथ निकले। दादाजी मंदिर परिसर में रैली निकाली गई, जिसके महादेवगढ़ पहुंचने पर हिंदू नेताओं ने भोलेनाथ को ज्ञापन भेंट किया। ज्ञापन की एक प्रति राष्ट्रपति को भी भेजी जाएगी। रैली में शामिल युवा हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे, जिसमें प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाने संबंधी नारे लिखे हुए थे। आक्रोश रैली के बाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोस्वामी अनुराग भृगुवंशी ने पत्रकारों से चर्चा की। इसमें उन्होंने खंडवा के युवाओं पर प्रशासन द्वारा दर्ज किए गए झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की। हजारों की संख्या में इमलीपुरा से गोवंश पकड़वाया, आज तक अवैध तत्काने नहीं हटे। सिमी के मारे गए गुर्गो की मजार बनाने की तैयारी FIR नहीं हुई। ये देशद्रोही आतंकवादी है, ये मुसलमान नहीं हो सकते। असली मुसलमान बहुत ईमानदार होता है, वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये ना मुसलमान है ना हिंदू है, ये जानवर नहीं है, इनके संगठन कर देने चाहिए। सर पर प्रदेश संगठन मंत्री अभिषेक सिंह सिसोदिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। युवाओं ने इन प्रकरणों की CBI से जांच कराने की मांग भी की। NP News Network की रिपोर्ट।